हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सीएन इंस्टीट्यूट में। आज के हम लोग टॉपिक में बात करने वाले मेल मर्ज के बारे में। तो वैसे तो बेसिकली आप लोग मेल मर्ज के बारे में बड़े अच्छे से जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक टैब है, मीन्स ऑप्शन है, या मेन्यू भी कह सकते हैं। मेल मर्ज में होता क्या है कि बेसिकली लोगों को मालूम ही नहीं कि मेल मर्ज का यूज़ क्या है। मेल मर्ज का यूज़ होता है कि आप नॉर्मली बेसिकली अगर इंटरनेट के द्वारा अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही साथ एक ही बार में ईमेल्स करना चाहते हैं या ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मेल मर्ज का उपयोग करके मैंने स्कूल की मार्कशीट्स को, मीन्स रिपोर्ट कार्ड्स को तैयार किया था। बड़ी आसानी से मेल मर्ज का उपयोग करके कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेल मर्ज के अंदर आप लेटर, ईमेल, एम्बलॉप, लेवल या किसी प्रकार की रिपोर्ट्स, जैसे मल्टीपल रिपोर्ट्स बनानी हो अलग अलग चीज़ की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो उन चीज़ों को आप बेसिकली एक ही बार में तैयार कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज हम के स्टेप्स को समझेंगे कि मेल मर्ज यूज़ कैसे होता है, फिर हम इसके एग्जांपल्स को भी सीखेंगे। ऑलरेडी एक दो एग्जांपल्स मैंने मेरे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हो तो आप उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि ये हमारी स्क्रीन आ चुकी है। अब स्क्रीन के अंदर आप देखें तो हमें यहाँ पर मेलिंग ऑप्शंस मिल रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट 2019 का ऑफिस है तो इसमें आपको मेलिंग ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। मेलिंग ऑप्शन के अंदर आप देखें तो पहले ही सिंपल क्रिएट में एम्बलॉप और लेबल दिया है, ये अलग से ही दे देते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फीचर जो हम स्टार्ट हो रहा है वहाँ लिखा स्टार्टिंग द मेल मर्ज, अगर इसमें आप क्लिक करते हैं स्टार्ट द मेल मर्ज में तो देखें तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे पहले लेटर, एम्बलॉप, ईमेल, लेबल, डायरेक्टरी और फिर नॉर्मल पेज जो है अभी फिलहाल, या स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं कि ये कितने स्टेप में मेल मर्ज ख़त्म होता है। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए तो यहाँ पे टोटल आपको 6 स्टेप्स बता रहे, स्टेप 1 of 6, यानी कि टोटल 6 स्टेप में पूरा मेल मर्ज फिनिश्ड होता है। अब हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो होता है वो यहाँ पे डिसीजन लेता है कि आप बना क्या रहे हैं, बनाना क्या चाहते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ से डिसीजन लिया, क्या ले रहा कि मैं लेटर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से लेटर ले लिया तो पहला स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया है। देन सेकेंड ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमें लिस्ट चाहिए, कौन सी लिस्ट चाहिए, जहाँ पर डेटा ऑलरेडी संग्रहित हो, पहले से ही रखा हो या आपने पहले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिख के रखा है या कहीं पर एनीवेयर कहीं पर भी रखा, उस डेटा को यहाँ पर लोड कराना हो, क्योंकि हम उनके द्वारा ही तो उस चीज़ को तैयार करेंगे। जब हमारे पास डेटा ही नहीं हुआ तो हम किसके ऊपर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर यूजिंग ANA एग्जिटिंग लिस्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि ऑलरेडी जो इसमें मैंने सिस्टम में बना के रखे हैं डेटा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आपको एक मिल रही है। अगर मैं दूसरी कोई लिस्ट लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 लोगों का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पर यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट का काम होता है कि पहले से बने हुए डेटा को सेलेक्ट करके लेके आना। अगर आप नए डेटा बनाना चाहते हैं तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको टाइटल्स, हेडिंग्स दी जाती हैं जिनमें आप हेडिंग्स को फिल आउट करके उसका पूरा डेटा बना सकते हैं। अब डेटा तो मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए हम एक उपाय करें कि हम पहले से ही पूरा डेटा क्या करें, लिख के रख लें और फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एडिट रिसेप्शन लिस्ट को देखने के बाद
अब हमारा जो 1, 2, 3 स्टेप तो कंप्लीट हो गया, अब जो चौथा स्टेप आ रहा है वो आ रहा है राइट एंड द इंसर्ट ऑफ फील्ड, यानी कि अब लेटर को लिखिए, लेटर को लिखिए। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि लेटर कैसे लिखा जाए, ऐसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर आप पहले के टाइम में, अभी भी कई लोग न्यूज़पेपर में जॉब फाइंड आउट करते हैं, मल्टीपल जॉब्स फाउंड करते हैं, फिर वहां पर वो लोग विजिट करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो पहले के समय क्या होते थे, लोग मल्टीपल जॉब के लिए जगह जगह एप्लीकेशन अप्लाई करते थे, जॉब एप्लीकेशन। तो अब उनको क्या है कि अब सपोज उन्होंने 10 जॉब फाइंड की न्यूज़पेपर में, तो 10 के लिए उनको 10 लेटर लिखने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम है ना। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। आप एक ही बार में 10 लोग, 10 कंपनी के लिए डेटा बना के 10 लोगों के लिए मेल मर्ज का उपयोग कर सकते हैं। इस एग्जांपल के ऊपर भी हम बात करेंगे और हम ये भी सीखेंगे आगे वाले वीडियोस में कि लेटर कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर हम अभी फिलहाल एक डेमो ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ आपको मेल मर्ज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर के बारे में पूरा डिटेल मीन्स वाणिज्य व्यवस्था के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से लेटर्स होते हैं, उसकी बिजनेस रूल्स के हिसाब से कैसे तैयार किए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले एज ए एग्जाम्पल मैंने एक हेडिंग ले लिया, बीच में यहाँ लिख दिया एप्लीकेशन लेटर। इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, बोल्ड किया, अंडरलाइन कर लिया, अलाइनमेंट लेफ्ट लिया, साइड छोटी कर ली और अंडरलाइन हटा दिया, बोल्ड रहने देते। और यहाँ पर जो पर्सन इसे लेटर को भेज रहा है वो अपना पहले ऊपर इंट्रोडक्शन डालेगा, मीन्स एड्रेस वेड्रेस डालेगा। फिर यहाँ पर डेट भी आएगी कि कौन सी डेट को हमने ये लेटर लिखा है, उस डेट को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। देन आफ्टर टू आएगा मींस जिस पर्सन को ये लेटर भेजा जा रहा है। तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे लिस्ट को इंसर्ट कर लिया था, फिलहाल हमने यहाँ 2 ही डेटा लिया है, तो उन डेटा के एड्रेस ब्लॉक बनाएंगे। एड्रेस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे डिजाइन है, उसका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ आ जा रहा है, तो उसे ओके करेंगे तो एक बार में एड्रेस ब्लॉक तैयार हो जाता है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। देन आफ्टर आपका उसमें आता है ग्रीटिंग लाइन, आप सामने वाला पर्सन फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है एक इनफॉर्मल होता है। जो फॉर्मल होता है उसमें हमें सर और मैम के नाम से प्रेजेंट करना पड़ता है सामने वाले को, और अगर इनफॉर्मल है तो उसमें हम डियर वियर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें नॉर्मली चलते हैं तो इसमें हम ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करें तो यहाँ पे डियर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इसको आप यूज करें, देन आफ्टर इंसर्ट कर देंगे तो वो ग्रीटिंग लाइन भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। देन आफ्टर यहाँ पर आप बेसिकली आपका बॉडी ऑफ द लेटर जो है, जो टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने फिलहाल तो कोई लेटर नहीं लिख रहे, ये डेमो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो हम डेमो के तौर पे हमने इसे तैयार करना है। होने के बाद हम इसमें थैंक यू प्रेजेंट कर देते हैं, और जो पर्सन ये लेटर लिख रहा है या जिसने भेजा है उसका नाम हम आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका जो चौथा स्टेप था वो हो चुका है कंप्लीट, मींस क्या हुआ, हमने लेटर को राइट भी किया और हमने फील्ड्स को इंसर्ट भी कर लिया है। ये दोनों काम करने के बाद आपका पांचवा स्टेप आता है कि आप लेटर का प्रीवियस चेक करें कि ये दिख कैसा रहा है। तो प्रीवियस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2 के नीचे आपको उस पर्सन का नाम और उसका एड्रेस दिखाई दे रहा है, और जहाँ ग्रीटिंग लाइन हमने सब्जेक्ट के नीचे रखी थी वहाँ पर भी आपको वो चीज़ देखने को मिल रही है। ये दोनों को हम प्रेजेंट करके देख सकते हैं
नेक्स्ट और बैक करके देखने के बाद ये पांचवा स्टेप कहता है कि हम लेटर को प्रीवियस कर चुके हैं। देन आफ्टर जो आपका लास्ट स्टेप सिक्स ऑफ स्टेप वो होता है कि आप इस मेल मर्ज को फिनिश करने वाले हैं, तो फिनिश ऑफ मर्ज। तो इसमें आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको पहला मिलता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जो अभी आपका पेज प्रेजेंट है उसी पेज में एडिट करके इसके मल्टीपल लेटर्स तैयार कर लो, या आप सभी लेटर को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो एक बार में प्रिंट मार लीजिए। बट यहाँ पर सेंड द ईमेल मैसेज का उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर हम किसी को ईमेल नहीं कर रहे हैं। अगर हम ईमेल भी करना चाहते हैं तो हम इसमें ईमेल आईडी को हमें मेंशन करना होता, और हमने यहाँ पे ईमेल नहीं करे। और ईमेल करने के लिए भी इसमें बहुत सारा प्रोसीजर होता है, अगर आप लोगों ने वो भी चीज़ सीखना चाहते तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें लिखा है हाउ टू बल्क ईमेल मैसेजेस, कि आप बल्क मैसेजेस कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा ईमेल के। अगर नहीं है उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो छठे स्टेप पे हम एक काम करते हैं, इसको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, मुझे सभी के सभी लेटर्स यहीं पर चाहिए। देन आफ्टर मैं इसे ओके करूँगा तो देखिए हमारा पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, और तीसरा तो मैंने कोई डिटेल नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी तीसरा था ब्लैंक, तो वो ब्लैंक आया लेकिन पार्टी का नाम नहीं आया। तो इस तरीके से एक ही बार में हमारा मेल मर्ज कंप्लीट मींस लेटर्स तैयार हो जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आप चाहे तो कंपनी के कितने भी चाहे थाउजेंड्स हो, चाहे जितने भी पीपल्स हो, उनके लिए अगर लेटर्स आप लिखना चाहते हो तो वन टाइम में आप एक ही बार में ये सारा काम कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।